दोस्तों, इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके आप स्टडी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। इंपोर्टेंट बायो के तो रेलवे ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन एंड अन्य गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ ओम जायसवाल और मैं अन अकेडमी में एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूँ। तो आप अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मेरे द्वारा बनाए गए लगभग सभी कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और MCQ जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, सभी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे और SSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी कोर्सेज आप देख सकते हैं आप अन अकेडमी पे मुझे फॉलो करके, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग दर्पणों को रजतित करने के लिए किया जाता है। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी ग्लूकोस। ग्लूकोस वह कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग अपचायक कारक के रूप में दर्पणों को रजतित यानी रंगने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरवेल यानी कसकुटा है, राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है सेकेंड, यानी पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल कसकूटा जड़ बीठीन पीले रंग का पूर्ण तना परजीवी है। इसके द्वारा उत्पन्न चूसकांग होस्ट पौधे के अंदर प्रवेश करके जाइलम तथा फ्लोएम से संबंध स्थापित करता है तथा भोजन, जल तथा खनिज लवण अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में, राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी स्थानगत वृद्धि होती है। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है जबकि प्राणियों में चलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट है, राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी वृक्काणु। प्रत्येक ब्रिक यानी किडनी से लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ओगोफोर्थ, यानी माइक्रोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदली जाती है और एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। सूर्य के प्रकाश में शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी लार ग्रंथि। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्ट्रोज में तोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किस अवयव को प्रभावित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी श्वास संबंधी। माइक्रोप्लाज्मा की खोज लुई पाश्चर ने की थी। इससे मनुष्यों तथा जानवरों में निमोनिया हो जाती है जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड, यानी प्लीहा। प्लीहा
रक्त के पुराने रक्त यानी आरबीसी को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानी अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेमी लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि है। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे लैंटार हैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट यानी कर्णपूर्व ग्रंथि में। गलसुआ का कारक मम्पस वायरस है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। एक दो दिन बुखार रहने के बाद कड़ के नीचे स्थित पैरोडिट ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंतु आहार में शामिल है, इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानी सेलुलोस। सेलुलोस एक पॉली सैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का असामान्य घटक है, इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानी एल्ब्यूमिन। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, इसकी उपस्थिति को एल्बुमिनुरिया कहते हैं। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सिकेन यानी नाइट्रोजन। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यह तत्व पौधों में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युग का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानी कॉकरोच और सिल्वर फिश। संघ आर्थ्रोपोडा के सभी जंतुओं में ऊतक द्रव्य एवं रक्त से भरे असममित पात्रों का बना खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया पैदा करता है, इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानी प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलेज नामक मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट यानी गठिया का। जोड़ों के दर्द को गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। गाउट के दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रेट अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजनी आहार है, इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानी प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडा, फली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है, राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड यानी ब्लू बेबी। अगर भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है, खासकर बच्चों में जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथेमग्लोबिन बनता है जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता, इसका जो राइट आंसर होगा होगा फोर्थ यानी कांड्रिक्थीज। कांड्रिक्थीज कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है। एम्फीबिया, मैमेलिया तथा
तथा एवीज में वही कंकाल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में जीवित पौधों को उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? फिर राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका अंदर किसी भी बाह्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर देते हैं। यदि क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो ये अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव मुक्त कर देते हैं। चूंकि इस क्रिया में से यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी अस्थि में। ऑस्टियोसाइट अस्थियों में पाए जाते हैं। कांड्रोसाइट उपस्थि में तथा थाम्बोसाइट रुधिर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोसोम होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा होगा फोर्थ, यानी लिंग गुणसूत्र। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी रेनिन। रेनिन अपनी पूर्व अवस्था में प्रोरेनिन के रूप में होता है, जिसे HCl सक्रिय रेनिन में बदलता है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसीनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड, यानी 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं को औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। प्लीहा या तितली इसके बाद के आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सिक्किम, यानी जोनस ई साल। पीलिया वायरस रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जोनस ई साल्क ने बनाई, इसे साल्क टीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन माता रोग किस कारण से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी मीन माता रोग पारा के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व स्ट्रॉन्शियम 90 कारण त्वचा कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है? जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण विषाणु यानी वायरस होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा पेड़ कोस्ट रेडबुल है, जो 115.56 मीटर तक ऊंचा है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया माउंटेनियस है, जिसकी ऊंचाई 99.6 मीटर है, लेकिन दिए गए विकल्प अनुसार यूकेलिप्टस ही सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी गुंजन पक्षी, जो कि आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी यात्री कपोट।
यात्री कपोत जिसे जंगली कबूतर भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था, जो अब एक विलुप्त प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ओवा सिकेंड, यानी पक्षी। कपोत दूध पक्षियों मुख्यतः कबूतरों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एक स्त्राव है जो दूध के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ओवा थर्ड, यानी रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के लार्वा से रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम कीट के पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ओगा फोर्थ, यानी कंटीला चींटी खोर। मोनोट्रीम्स ऐसे स्तनपायी जीव हैं जो बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। वर्तमान में मोनोट्रीम्स केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट अपना रंग वर्ण किलवक वर्णक के कारण बदलता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर, वर्ण किलवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड, यानी दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? फिर राइट आंसर बात के, इसका राइट आंसर फर्स्ट, यानी जीवाणु। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को जीवाणु के सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? फिर राइट आंसर बात के, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पादों को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी को अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी शरीर के ऊष्मा की क्षति। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर के ऊष्मा के अवरोधक का कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड, यानी सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अवशेष के पुनर्चक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। सस्य रोगों का जैविक नियंत्रण शिकार पर, जीविता, शाक भक्षता या अन्य प्राकृतिक तंत्र पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी में पुंप धुंप ड्रोन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट, यानी जननक्षम नर। मधुमक्खी में पुंप धुंप ड्रोन जननक्षम नर छोटे छोटे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ऊतक के नख खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ओगा थर्ड, यानी कीरेटिन के। कीरेटिन में प्रोटीन पाया जाता है, यह नर खुर और सींग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ओगा फोर्थ, यानी XY। पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, जबकि स्त्री के लिए XX सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी अम्ल वर्षा, एसिड रेन। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा के जल में इसके मिल जाने के कारण वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। जब सफेद संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीय जल के साथ अभिक्रिया करता है तो संक्षारण होता है। इसे स्टोन कैंसर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कला और शिल्प में प्रयोग किया जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स्ट यानी बेंजीन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड यानी वातक ट्रैकिया। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक यानी ट्रैकिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं किसी सोशल मीडिया हैंडल पे जिससे कि दूसरों को मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।